जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले पहुंचता है हमारे पेट के अंदर, और पेट में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि एक एसिड का सिक्रेशन करती हैं, जिसे HCl एसिड कहा जाता है। ये एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जब पेट में ये एसिड थोड़ा ज़्यादा बनने लगता है तो पेट की लाइनिंग को ये डैमेज करने लगता है, जिससे हमें जलन महसूस होती है, और इसे ही एसिडिटी कहा जाता है। पेट के ऊपर का स्फिंक्टर यानी कि बॉल कमजोर हो जाता है, जिससे कि जो एसिड पेट के अंदर बना है वो वापस हमारा फूड पाइप के अंदर आने लगता है, जिससे कि हमें जलन महसूस होती है, और ये जलन हमारे सीने वाले एरिया में होती है, इसलिए इसे हर्ट बर्न भी कहा जाता है। ये एसिड फूड से विटामिन B12 को एब्जॉर्व करता है, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम करता है। ये एसिड फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे कि हमें बीमारियों से बचाव होता है। ये एसिड पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि प्रोटीन पाचन में मदद करता है। एसिडिटी के कारणों में चाय, कॉफी, अल्कोहल को एक्स्ट्रा अमाउंट में कंज्यूम करना, इसके अलावा स्मोकिंग करना, डिप्रेशन में रहना, इररेगुलर फूड हैबिट्स होना, जंक फूड को कंज्यूम करना, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, ये सारी हैबिट्स हैं जो कि एसिडिटी को जन्म देती हैं। ज्यादा दिनों तक पेट के अंदर एसिडिटी रहने से पेट के अंदर घाव, अल्सर यानी कि छाले हो जाते हैं, और जिनसे हमें कभी कभी खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। इसके अलावा पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एसिडिटी के द्वारा हुए अल्सर का पता बेरियम एक्सरे, इसके अलावा एंडोस्कोपी या फिर सोनोग्राफी से पता लगाया जा सकता है। टेम्परेरी बेस पर एसिडिटी हो जाने पर एंटा एसिड की कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करना।